ओम शांति ओम शांति नहीं नहीं बुरा बुरा सभी ने नहीं बोला ओम शांति देख रहे हूँ साखी करके, कैसे आप सबके खेचने यहाँ बुला लिया शांतिवन में बैठे शांतिवन में बैठी हूँ शक्ति भवन में बैठी हूँ परंतु तो आप बारे मीठे हो प्यारे हो बाबा के लाड ले हो सिकील दे हो तो सुनना हम बाबा के सामने इतने सब बैठे हैं देख मिस कर रही थी आप तो नहीं करें क्यों आप यहाँ मौज में बैठे आपस में मिल करके जो बाबा ने कहा विक्रम विनाशक स्थिति होवे उसमें के सिवा और तो कुछ या कोई सोचने की बात ही नहीं है फिर तो भी क्वेश्चन था मैं क्यों मिलूं जाएगा नहीं मुझे मिलना है मुझे हाजुर होना है संगम का समय बाबा की जो हमारे में उम्मीदें हैं वो अभी अभी हमको पूर्ण करनी है पंद्रह दिन में भी नहीं है। आज करनी है ड्रामा प्लान अनुसार निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहने की बाबा ने ऐसा पालना दी है कराने वाला मैं हूं मैं करन करावन हारू ये समझते हो बाबा वहां से पूछता है देखता है बाबा करण न आ रहा है ये कोई 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 ऐसे बैठे हैं है, मुझे पहचानती नहीं हूँ कौन कौन बैठे हैं ये एंटनी है ये कौन एंटनी है ये कौन बैठ रहा है ये, ये कौन वो एंटनी का है ग्रीस वाला और मैं ढूंढ रही थी इनको ये यह यहाँ सब सीट खाली पर ही है पता नहीं योग के टाइम न लाइट नहीं होती है ना तो मज़ा नहीं आता है ऐसे लाइट से यहाँ जगह है दूसरी लाइन में खाली सीट पर ही है तुमको ये लगता नहीं है दादी भई एंटनी यहाँ है मैंने कान सुना था पर इसको बाबा के मुझे कहा तुमको कैसे विश्वास हुआ विद्वसेव विश्व सेवा के लिए मैंने कहा इन्होंने विश्वास बिठाया नशा है ना तुमने विश्वास बिठाया ये ज्ञान ये योग ये लाइफ सिखाने वाला कौन है ये समय मुख्य बात बाबा ने समय है सुयम की पहचान दी है आज की सुबह की मुरली पढ़ते हैं, तीन दिन पहले बाबा की डायरेक्ट मुरली सुनी और आज मुरली पढ़ते सेवेंटी सेवन की है जब मैं यहाँ इंजामिन इंजामिन नहीं हूँ वहाँ हूँ ऐसी मूलियाँ जब पढ़ते हैं सुनते हैं दिल में क्या लगता है किसको सुना रहा है बाबा जिसको हम भी ढूंढते थे दुनिया भी अभी ढूंढ रही है उसने हमको ढूंढ लिया सबको अब सबको ढूंढ लिया कोई कहाँ गया कोई कहाँ गया बाबा ने सर्वशक्तिवान बाप ने सर्वशक्तिवान बाप ने नई दुनिया स्थापन करने के लिए पुरानी दुनिया में सब एक पत्ते तो दूसरे पुराने जिनको पता ही नहीं है हम का क्या कर रहे हैं आधा क्लब से हम भी थोड़े माया के मोहताज थे अभी माया को ऐसे भगा दिया है ये वायुमंडल ऐसा बन गया बिचारी की नाम निशान भी नहीं है अभी सूक्ष्म संस्कारों तक भी कोई कब छिपी हुई न बैठी हुई हो ऐसी शक्ति पांडव सेना पांडवों का गायन बहुत अच्छा है यादव कौरव पांडव हम किस में है पांडुओं की है परमात्मा से प्रीत बुद्धि तो आजकल मेरे से कोई पूछते है या मैं थोड़ा गहराई में जाती हूँ प्यार प्रेम प्रीत प्यार बच्चे है सिक्की लदे है कल पहले वाले है वह वा प्यार से मिलता है जो दिल से बाबा कहलवाता है रुआ में प्रेम पैदा हो जाता है गोप गोपियों का प्रेम गोप गोपियों का हम प्रेम बहुत सुखदायी है आपस में मिल बड़े प्रेम से जब आप खाते मुझे याद आया मैं समय दो साल पहले होंगा जब ऊपर में ज्ञान सरोवर में इकट्ठा खाया था फिर नहीं खाया मिल कर के या जब आप भोजन खाते होंगे प्रेम है अकेला खाने अच्छा नहीं लगेगा बनाने वाले भी प्यार से बनाते हैं खिलाने वाले भी, भी खुशी से खिलाते खाने वाले मिलकर के प्रेम से खाते हैं निश्चय से जयंती बनने के संस्कार बनाती है कभी भी भूल से ये हो सकता है एक होगा ये संकल्प नहीं आ सकता प्रीति बुद्धि है अभी मैं एक मिनट के लिए शांति करती हूँ आप लोग थोड़ा इस शब्द का डीप जो रहस्य रे, है सोचो हे परमात्मा बाप ने हमको निश्चय से प्रीत बुद्धि बना करके के हुई परी है आज मैं सारी कहानी नहीं सुनाती हूँ मेरे मीठे भाई ने क्वेश्चन पूछा पत्र लिखा रमेश भाई नाम बताया बड़े प्यार में रिगार्ड में पत्र लिखा फिर कोई बात तो उसका विचार था तो मेरा ये विचार है अब तुम छुट्टी देंगी तो करेंगे तो मैंने कहा संदेश में भेजा पत्र मिला जो आप करेंगे सो अच्छा का लिखत में दो मैं कहा मैंने में कहा लिखत में लिखवाई साइन किया जो हुआ है सो अच्छा हुआ है जो हो रहा है सो अच्छा है जो होगा सो अच्छा बहुत अच्छा होगा भाई मेरा क्वेश्चन की बात नहीं अंधापन से पूछा सब अच्छा है जब बाबा हमारे को इतना इशारा दे रहा है तो बस दो बातों में अंधे मानो दो बातों में हर संकल्प में संकल्प कैसा हो उसकी शिक्षा समझाने सावधानी मिली हुई है बंदेमान मैं हूं शिक्षा भी मिली हुई है मारथी हो संकल्प हो मारथी को समझानी मिली हुई है क्या फायदा होगा संकल्प सेवेंटी एट ईयर्स हो गए शिव जयंती को मनाते हैं बाबा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं हम बाबा मुबारक दे, हैं। मुबारक, दे हैं। मुबारक दे रहे हैं मुबारक देने में शब्द को वंडा तो खाओ भगवान हमको मुबारक दे हमारे जन्मदिन का ये कितना अलौकिक दिव्य जन्म है अलौकिक दिव्य जन्म है इस जन्म की वैल्यू चौरासी जन्म है इस जन्म की जो वैल्यू जितनी हमारी बढ़ती जा रही है चौरासी जन्मों के लिए और देखा है अंतिम जन्म में भी संस्कार हमारे साधारण मनुष्य जैसे नहीं रहे हैं बाबा ने भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी हमारे ऊपर मुहब्बत से उठाता रहा है बाबा से मेहनत नहीं ली है ली है मेहनत सत्यनारायण की कथा संपूर्ण बनने के लिए सुननी है सत्य कथा नारायण बनने के लिए भगवान ने स्वयं सुनाई है भक्ति में बहुत बहुत प्यासे हैं। कथा तो हम भी कर सकते थे ब्राह्मण से करते थे ब्राह्मण कथा सुनावे तो मैं ऐसा सुनाने वाली आत्मा किसके माँ को सुना रही हूँ मुरली पढ़ के सुनाना भाग्य अच्छा है परंतु मुरली किसके मुख सुना रहा है कान सुन रहे हैं मैं पढ़ रही हूँ कितना सुख मिलता है लाई है बहुत सुख मिलता है सुख का वन मुख से कहने के बजाय कोई भी आत्मा को जरा दुख होवे ना चला जाए बेचारे दुख का नाम निशान भी न हो हमारे ऊपर तो न हो पर जाम बाबा माँ को रखे जाम हाजुर हो आत्मा दुख नाम निशान हो क्यों सच में नहीं होगा ना पर सच में नहीं होगा कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी दुनिया बनाने का काम अभी हम न करेंगे जो जो मैं करेंगी बाबा साथ दे रहा है। जब बाबा परसों मूली चला रहा था दो तीन में ऐसी स्थिति में बनाने में बनना मेरे को है भगवान का साथ बहुत काम करता है तो मेहनत नहीं है पर खुशी होती है मेहनत नहीं है मेहनत उसको करनी पड़ती है जिसको संकल्प में विश्वास की शक्ति नहीं है भले कितनी भी कारोबार है मुझे लगता है जब मैं दादी गुर्जा से मिलती हूँ ना आज भी यहाँ आने के पहले बताया मैं दादी ऊपर जा रही हूँ मैंने इतने देखे बाबा के बच्चे बैठे हैं तो मुझे ऊपर जाना का बहुत अच्छा मैंने कहा आप भी तो कोई है जो आपसे नहीं मिले हैं दादी गुर्जा से कौन नहीं मिले थे तो दादी गुर्जा जब यहाँ ऊपर थी न तो रहे नहीं मिले थे कब मैं मिल करके आई हूँ ना अच्छे मुख्य बहन भाइयों से मिली हूँ ना तो दादी फिर भी है। पर हम जब दोनों बैठे थे ना शांत में ऐसे बैठ गए उसको भी बैठ गए देखा ऐसे ये क्या है जो ईश्वर इसने एक दो को एक कर देता है दो ना आत्मा नहीं है जैसे एक है खुद भी कहे मुझे अच्छा लगता मैंने कहा दादी अभी ऐसी कोई बात सुनाओ मेरी बात ये, दादी ऐसी मीठी है सुबह अच्छा है पहले जाओ तो मैंने भी सोचा मैं थोड़ा थोड़ा चलता है मेरे बहन भाई समय को सफला करे तो एक बात सुनाई अपने कर्म पर संकल्प पर ध्यान बहुत ध्यान है दूसरा जैसा मेरा संकल्प होगा या बच्चन होगा व कर्म होगा उसका रिजल्ट फल औरों को होगा हम प्रसाद करेंगे तो उसका बल अलग है औरों को जो प्राप्ति हुई उसका फल अलग है बल फल अगर मुझ आत्मा से आपको सुख शांति प्रेम की लेन देन नहीं हुई तो मज़ा नहीं आएगा इसलिए न कोई सोच तो बहुत पुराना है कि लीफलेट्स कल मेरे हाथ में आया जो पहले मैं कहती हूँ ना प्लीज डोंट थिंक तो उस लीफलेट में था री थिंक माइंड सेट बहुत समय के बाद मुझे हाथ में आया कल ब्रजमोहन भाई को दिया आपको याद नहीं होगा पर मुझे बहुत अच्छा लगा री थिंक माइंड सेट फिर चेतन को दूसरी कापी निकालोगा तो पांच छह कापी भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक पर है लिपड़े छपे थे कल मेरे हाथ में वो आए तो जब बिर्जमोहन भाई ऊपर से नीचे आया फिर मैंने मैंने कहा बस यही भावना है जो सभी माइंड को बिचारा बहुत अच्छा है माइंड थोड़ा अपसेट होता है ना तो पता नहीं हाँ टीचर्स का क्लास था नीचे दो बातें अगर रियलाइज नहीं करते हैं तो दो बातें छूटती नहीं है एक उदासी अपन में निराशाई सूक्षम आधा घंटा टीचर्स से कभी भूल से ये उदासी मेरे पास आवे यानी मेरे अच्छा नहीं लगता ये बात मुझे ये शब्द निकलाया चेहरे पर आया बड़ा ये निमित बनने में एक बारी उदासी आई तो जैसा पुरुषार्थ चलना चाहिए रियल रॉयल को तो मिस होगा जरा भी कोई आवाज मेरे को सुनने को मिला फिर सोच चला उसको अंदर से कितना अपन को सेफ रखना है क्यों दिन प्रतिदिन समय जा रहा है पुरस्त करने का जो उमंग है कभी कम न हो ये। कोई सारे दिन में कोई एक घंटे आधा घंटे के लिए भी होंगा न कम होगा न फिर से उस जगह बहना मुश्किल है उमंग की जगह खाली हुई न थोड़ी पर ना सह नहीं है तो ऐसी रू करने के लिए आपसे मिलने के लिए सुखम तो सामने हाजिर होने में तो ये योग में और क्लास कराने में एक घंटा है भाई तेबीस घंटा मैं क्या करती हूँ पूछती मैं क्या करती हूँ जब कुछ खाते हैं तो मीठे बाबा की याद बहुत आती है बाबा याद रखे हैं खाना भोजन खाते जो याद करता है ना ब्रह्मा बाबा को देखा है स्नान करके जो जा, करते जो याद करता है ना बहुत अच्छा ये शरीर सारे कलप में बड़े सच्चेपन देवताओं के पर अभी अभी का जो वैल्यू है बड़ा वैल्यूबुल और मुझे गारंटी है कोई जन्म भी शरीर छोड़ने में नेविल बैठा है नैठे है है न सिर्फ ये जनम, पर कोई भी जन्म मैं दुख में सारी छोड़ने नहीं छोड़ा होगा मुझे गारंटी है अभी के जो में है ना जीना है तो भी मरना सर छोड़ना है साथ क्या करते कोई काम नहीं है कोई मेरे पास जिम्मेवार नहीं बाबा करा रहा है ये अनुभव की शक्ति से सत्यु की स्थापना सत्यु ऐसे थोड़ी आएगा कल युग तो जाने वाला है बेचारा उसका टाइम पूरा हो गया है। जिसे करीबन नाश आया ना, नेचर कहले कुछ भी हुआ कोई रोकेगा नहीं है। अभी विनाश आने के पहले वो हमको हमारा इंतजार कर रहे हैं बाबा कहते जल्दी हम सिर्फ ऐसे रहे हैं तो पर गारंटी है न सौ सत्युग में हम खुशी से शरीर लेंगे जन छोड़ेंगे पर मुझे पता नहीं से आवाज कोई भी जन्म भक्ति मार्ग में भी भगवान को याद करते हैं ऐसे मैंने देखा था कई ऐसी अच्छी अच्छी आत्माओं को देखा था भक्ति मारे में। उन्हों उनको ख्याल रहता था शरीर छोड़ने के समय कोई मेरे सामने मेरा बेटा बहू ना हो मैं उनसे भगवान के याद में रहूं ऐसा अंदर से वैराग और त्याग में हंड्रेड परसेंट वैराग वैराग ऐसा नहीं है कोई नफरत है पर लगाव नहीं है त्याग कोई इच्छा नहीं है अभी मीरा बनेशारा दे रही है टाइम हो गया